सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि देख सकते हो मेरा मेकअप। तो इससे ही समझ जाइए मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ शूटिंग, और मैंने जैसे कि कल या परसों बताया था आपको कि मेरी कलेक्शन आ रही है, तो मेरी दोनों दो दिन में सारी कलेक्शन आ गई। तो आज की पूरा दिन मतलब वीडियो में ही लग जाता है। तो जस्सिका हो गई है बिल्कुल टायर्ड, लेकिन अभी सिर्फ दो ही वीडियो का काम हुआ है, अभी दो और बाकी हैं तो इसमें लगे हुए हैं। सोचा कि आपसे पहले बीच में बातें कहीं की जाए और स्टार्ट किया जाए। मैं तो भूल ही गई थी काम के चक्कर में, क्योंकि बाकी ऐसी छोले वगैरह उबाले हैं, छोले रात फुलोए थे, उबाल भी दिए लेकिन बने नहीं हैं। सोचे थे भटूरे बनाऊंगी, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरी सारी कलेक्शन आ चुकी थी आज। तो मैंने सोचा आज मैं पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, ये तो कल भी बन जाएंगे। छोले रख दिए फ्रिज में ऐसी, और कल बनाऊंगी मॉर्निंग में। वैसे भी अब थक जाएंगे। जस्सी का भी वैसे भी कमज़ोर हो रही है उसकी, तो ज़्यादा ही इसका तो मुझे अब ध्यान रखना पड़ेगा, जूस लगाना पड़ेगा, कोकोनट ओरियल, वो कोकोनट क्या कहते हैं पानी जो आता है, नारियल पानी, हाँ नारियल पानी लगाऊंगी। तो देखिए कैसे पड़ी है, दिखाती हूँ मैं। और बाकी देखिए हमारी कलेक्शन, और हमारा छोटू गोलू मोलू बाहर खेल रहा है, एनर्जी से बोल, हाँ एनर्जी से भरपूर रहता है। हमारे वो गए हुए थे वर्क पे, लेकिन आ गए थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर चले जाएंगे। तो वो मुझे ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करते, पता है कि काम कर रही है तो अपना देख लेते हैं, खुद बना लेते हैं, ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपना काम कर रहे हो तो कर लो। तो आवाज़ भी नहीं करते टीवी की आवाज़। देखिएगा जस्सी का लेटी हुई, सारे ये कपड़े ट्रायल हो रहे हैं बार बार, और ये अभी होंगे तो सिर्फ अभी ये होंगे 6-7 जोड़ी। तो ये ट्रायल कर रही हूँ, एक मैं पहन के बैठी मतलब खड़ी हूँ पहन के, और बाकी देखिए इस तरीके से बार बार ज्वेलरी, ये तो मैं बहुत कम कर रही हूँ। तो देखिए ये यहाँ है, जस्सिका ने शॉर्ट्स पहनी है, तो जस्सिका कह रही है मुझे बिल्कुल मत लेना, तो मैं इसलिए आधा पोर्शन ले रही हूँ उसका। कह रही है मुझे शॉर्ट्स में अच्छी नहीं लगती, इसे मतलब शॉर्ट्स पहनती भी है और वैसे इसे अच्छा भी नहीं लगता, पूरे दिन शॉर्ट्स में ही रहेगी, और ट्रैवल में जब ट्रैवलर में शर्म नहीं आएगी, पता नहीं क्यों। पहले तो शॉर्ट्स ही पहन के डोलती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है ना, और बिल्कुल ऐसी हो रही है बीमार। कल इसे मार्केट लेके तो गए थे हम, लेकिन कल अरे परसों चक्कर खा के, जैसा कि मैंने आपको बताया था चक्कर आने लगे थे इस लड़की को। अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे खुद ही, अपना तो मैं रखती नहीं, इसका रखना पड़ेगा, क्या करें, बच्चों का तो रखना ही पड़ता है। हमारा तो लविश बढ़िया है, उसे भूख लगती है अपना जो मिलेगा खा लेगा। और इसे ये लड़की बहुत परेशान करती है मुझे। सो चलिए गाइस, पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सारी वीडियोस और वीडियोस का काम। तो अगर आपको नहीं पता तो दूसरे चैनल पे जाके चेक कीजिएगा जरूर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टाइलिंग विद सुनीता। सो चलिए अब चलते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नीचे। बहुत सारा नीचे बर्तन भी क्लीन नहीं किए मैंने, ऐसे ही भरे पड़े हैं। तो चलिए गाइस अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस देखिए आखिरकार हमारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और कंडीशन पूरे बेड की ये है। जस्सिका तह लगाना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि ये अब हमारा टाइम 6 से भी ऊपर हो गए होंगे। तो ये तो मैंने बहुत कम करा है, वरना ज्वेलरी तो मेरे पास इतनी है तो आपको दिखाऊंगी कभी, वैसे दिखाई थी लेकिन अब और परचेज करती हूँ तो करती रहती हूँ मैं। सो गाइस देखिए मेरी लास्ट ड्रेस ये थी, तो ये है मतलब एक गाउन छोटा, मतलब मिड्डी कह सकते हैं। तो मैंने ये जस्सिका के लिए ऑर्डर की है, मैं भी पहन सकती हूँ वैसे तो ट्रैवल में, देखते हैं किस पे मतलब कौन पहनता है। वैसे तो मैं जस्सिका के लिए ही सोच रही थी, मैं इतनी छोटी मिड्डी नहीं पहन पाऊँगी, अनकम्फर्टेबल फील होता है मतलब छोटे कपड़े पहनना। सूट करने की बात एक अलग होती है, और वैसे मतलब वैसे पहनना एक अलग सूट होता है, कि अंदर मतलब विदाउट मतलब अंदर बॉटम के, ये ड्रेस ऐसी है बिना बॉटम के वियर की जाती है, मतलब अंदर शॉर्ट्स पहनी हो और बस, तो मैं बिना उसके नहीं पहन सकती। तो ये जस्सिका के लिए ही जाएगी ड्रेस। तो देखिए काफ़ी अच्छी है, मतलब देखिए यहाँ तक शॉर्ट में है घेर में, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप नीचे जाएंगे, अब सेटिंग है सबको पैक करके अच्छे से, सबकी पैकिंग करके जब नीचे जाएंगे, और अभी झाड़ू भी नहीं लगी हमारे, आज ऐसा हुआ है। सो चलिए गाइस जल्दी मिलेंगे नीचे। सो गाइस आखिरकार हम नीचे आ चुके हैं, और झाड़ू कर ली मतलब बर्तन वगैरह थे और क्लीन कर दिए मैंने। जस्सिका ने किचन क्लीन किया, मैंने बर्तन क्लीन किए, और मैं पेड़ों में पानी डालने गई थी फिर उसके बाद, क्योंकि वो
वो ज़रूरी काम है क्योंकि पेट सूख जाते हैं, शाम को ही डालते हैं हम। और इधर ये दोनों चाय पी रहे हैं, पता नहीं जसी का कैसे पी रही है और इसकी तबीयत खराब भी है, लेकिन सुन नहीं रही बिल्कुल भी, किसी की बात नहीं मानती ये लड़की, बात समझ सकते हो ना इससे ही। तो अभी तक मेकअप भी नहीं उतारा मैंने, अब साफ करूँगी मैं सोची थोड़ा लेट ही कर लूँ क्योंकि मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया आज हमने, इसीलिए वजह से खाना कुछ नहीं बना, बस ऐसे ही काम चलेगा, यही चाय दूध इन्हें दूध पिला दूँगी और कुछ खाएंगे तो वैसे खा लेंगे मैगी वगैरह बना के। ये लड़की मैगी की, बस मैगी खाएंगे, कल मंचूरियन मुझे तो पसंद नहीं है मैगी, बोर होगी मैं मैगी खा खा के, और मुझे तो बस चाय मिल जाए, बस मेरी तो ज़िंदगी चाय है। आँखों में भी ना नींद सी आ रही है ऐसा, और बिल्कुल थक गई, आज का दिन ऐसे ही निकल गया क्योंकि सारी कलेक्शन मेरी आ गई थी और वो ज़रूरी थी सूट करनी, और बाकी बच्चों के लिए दूध पक रहा है उधर किचन में, देखिए आग थोड़ी सी रोशनी सी दिखेगी, लाइट बंद करी हुई है ना। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं चाय पीने के बाद, यहाँ मेरी चाय एक पैन लिया है मैंने, बस फिलहाल तो यही, बाद में देखूँगी दोबारा फिर पी लूँगी 10 बजे करीब अगर भूख लगी तो। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, और मैं देख रही हूँ पंड्या स्टोर, तो टाइम हो चुका है 8 बजने वाले थे और हमारे वो तो चले गए थे बेचारे, वो चावल रखे थे वो ही खा लिए उन्होंने, कह रहे बनाए नहीं छोले, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो अपना छोले खा के दही से चले गए क्योंकि होटल का कम ही खाते हैं वो खाना, बहुत कम ना के बराबर ही। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी सारी, और पेट में भी दर्द हो रहा है इसके, ये ना खाने के नतीजे हो रहे हैं, सूख के बिल्कुल ऐसी हो रही है, कपड़े भी ऐसे हो रहे हैं हैंगर पे टंग रहे हो, और हमारे गोलू मोलू को देखो लवीश जो फोन में तो जो पार्क में जाता है आराम से अपना टहल के आता है कई घंटे घूम के आता है, और इधर दिखाओ तो मिला नहीं है आज, नहीं मिला तुम्हें क्योंकि आज हम बिजी थे। तो जसिका का पेट खराब हो चुका है और इसके फीवर हो चुका है, और ये पानी हम दे रहे हैं और कौन सा है और इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पियो, पेट नहीं भरना, दो दो घूंट हो जाएगी मुझे मच्छर, और रात को इतने मच्छर लगते हैं, मच्छर का केमिकल लिया लवे से जा बड़ी मम्मी के साथ जाके देखिए रहा गंदा है जी। तो गाइज में हम ये वाली बुखार की दवाई दे देते हैं, हम कुछ भी होता है तो यही वाली खा लेते हैं, कोई पैरासीटामोल, हाँ पैरासीटामोल ही है, पैरासीटामोल ये नहीं ना लिखा पैरासीटामोल। लविस हाँ पहले बैठो बात करो जरा, लविस आज मिला नहीं है ना, तो बारह में क्या किया आज, कुछ नहीं आज एक बच्चे ने ऐसा क्रिकेट बॉल मारी कि हाँ सीधा लड़की का सब टूट गया, सही है अच्छा। और लविस डेली पार्क जाता है, मजा आता है, और लविस हमें डिस्टर्ब भी नहीं करता, हम वीडियो शूट करते हैं ना इसलिए वो पहले ही चला जाता है कि मैं आवाज करूंगा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता बिल्कुल भी, मतलब आज तो था ही नहीं वरना हेल्प करवा देता है, जैसा कि आपने ब्लॉगों में देखा ही होगा, और अब चल रहा है सही, बस ये सही हो जाए, सही की जगह सही हो जाए, ये बीमार इंसान, ये ना खाने के नतीजे हैं ये, ठीक है नहीं खाती। और गाइस यही आज की दिनचर्या चलेगी देखिए बस, क्योंकि आज सब ऐसे ही टुलमुल हो रहे हैं, तबीयत डाउन हो रही है सबकी, हालत ख़राब हो जाती है, तो बस लविस ने बनाई है कौन वाली क्या कहते हैं इसे परपोज नहीं वो चाट, ये इतना चटो रहा है इसे भूख लगती है, ये अपने आप देख लेता जुगाड़, हाँ तो इसमें इसने सॉस वगैरह सारी नमकीन मिक्स करके और कागज लिया और कोन बना के पूरे मजे ले रहा है, और जस्सी का इधर इधर पड़ी है देखिए, कह रही है मुझे भी चटा दे जी, लो लो लो, और लविस के भाई हमारा लविस बढ़िया, ये मुझे लगता है कुक मास्टर बनेगा, सैफ बनेगा, हाँ? क्योंकि इसे तो बस मौका चाहिए बनाने का खाने का, इसे भूख लगे ना कुछ ले लेता है, परेशान नहीं करता,
देख ले, देख कैसे खा रहा है, आराम से मजे लेके है ना। लवी बढ़िया लग रही है ना। लो जी हमारा सैफ घर में तैयार हो रहा है, कुछ ही सालों में ये सैफ तैयार हो जाएगा, तो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे हम, इसे सैफ में भेजेंगे, ठीक है। और टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। सो गाइस तो बस ट्रेन, मैं भी ऐसी लेटी हुई हूँ, मैं भी टायर्ड हूँ, जैसे का बीमार नहीं, मैं नहीं खा रही, मुझे जंक फूड कम पसंद है। लवी दिखाना चाहता है कि देखिए अच्छे से, तो देखिए इसकी इसके लिए लाइक करना और सब्सक्राइब। तो लवी दिखा रहा है, और बाकी मैंने मेकअप अभी भी नहीं उतारा, मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, मतलब लेटी हुई हूँ, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन पर भी अभी बहुत बात करी है मैंने, कभी पापा से की, कभी अपने हस्बैंड से की, कभी सासू माँ से की, कभी अपनी नंद से की, तो मैं थक गई हूँ बोलते बोलते भी, और आपसे भी तो ऑलरेडी एनर्जी मेरी भी बस डाउन हो रही है, ये पावर कल तक हो ठीक होगी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद ना एनर्जी डाउन हो जाती है। बस एक बार चाय और बनाएंगे, अगर बनाई तो, क्योंकि जस्सिका को चाय से ब्रेड खवाना थोड़ा सा, आधा करीब हल्का हल्का खाना देना, एकदम तो नहीं देना। और बाकी ORS तो हम इसे पिला रहे हैं, और दवाई मंगा दी है जस्सिका के डैडी ने डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ही हैं हमारे हस्बैंड भी, तो कनेक्टिविटी रहती है, सैंपल वगैरह टेस्ट करते हैं ना, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, बाकी इसलिए दवाई मिल गई है। लविस लेकर आ चुका है अपनी बड़ी मम्मी के साथ, मतलब मेरी सासू माँ के साथ, दोनों गए दादी पोते और ले आए, और 2 घंटे बाद दूंगी दवाई, क्योंकि अभी मैंने इसे PCM दी थी। तो चलिए गाइस इसी के साथ मिलते हैं अब कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस थक चुके हैं इसलिए, कल बहुत अच्छा, कल हमारा मूड था ना जो, सब कुछ तो कल पे ही डिपेंड करेगा कि कल क्या होगा। सो कल का इंतज़ार कीजिए, कल है संडे, सो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसको लग रही है मिर्ची, लेकिन खाने में पूरे मज़े ले रहा है, बिल्कुल है ना। मिर्ची लग रही है तो मत खाओ, अगर सब्जी में जरा सी मिर्ची तेज हो जाए ना, मुझे फिर गुस्सा दिखाता है लविस। और इधर देखिए जैसिका सो गई हो। सो चलिए गाइस मिलते हैं कल।